बड़े ही जूसी चावल हो रहे हैं और शाम की चाय का भी टाइम हो गया। दोनों चाय अब मैं ही पी, तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा खान मलिक फैमिली व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैं इतना लेट सोकर उठी हूँ और मेरे फेस से भी पता चल रहा है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही हो रही है, मतलब ठीक नहीं है। सारी रात मेरे इसमें डाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे कि ईद से पहले मैंने आपको बताया था कि मेरी डाढ़ निकलवानी थी मुझे, और कल रात को तो बहुत ज़्यादा हद हो गई। मुझे लाइफ में कभी इतना पेन नहीं हुआ, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे, तो मैंने अर्जेंट में ही दवाई मंगवाई थी दानिश से और वो खाई। और अम्मी का पुराना जो नुस्खा था कि लौंग वहाँ रख लेते हैं डाढ़ पे जहाँ पे दर्द होता है, तो मैंने वो भी किया, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर था, तो बड़ी ही मुश्किल से निकली है मेरी रात। तो लेकिन आधी रात के बाद खैर आराम हो गया था, क्योंकि मैंने दवाई भी खाई थी, तो अभी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है उठने के बाद। तो अब जल्दी से मैं घर की सफाई करवा लेती हूँ, और मैंने बाला आंटी को भी बुला लिया है कपड़े धुलवाने के लिए। तो आज मैं कपड़े भी धुलवा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फ्री थी मैं, तो बस जल्दी जल्दी से मैं घर की साफ़ सफाई करवा लेती हूँ और कपड़े भी धुलवा लेती हूँ। और दानिश आप क्या कर रहे हो आज? तो दानिश भी कह रहे हैं उनको बहुत सारे काम है बाहर के, तो आज आप फ्री हो ठीक है रात तक। अब आप जा करना, अब आप रात को आना आराम से ठीक है। तो दानिश को भी आज बहुत सारे काम है और मैं भी बिज़ी रहूँगी, क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं तो मुझे भी देखना होता है, बार बार चेक करना होता है। तो गाइज मैं दिखाती हूँ आपको कि बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ मैं और सब कुछ, क्योंकि बेडशीट मैं खुद ही चेंज करती हूँ हमेशा से ही। तो गाइज मैं बदल रही हूँ आज अपनी बेडशीट, जो कि मुझे अपने हाथों की ही पसंद है जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब जल्दी से मैं तकियों के कवर भी चेंज कर देती हूँ। मैं पूरे घर की सफाई वगैरह तो करवा लेती हूँ, लेकिन मुझे बेडशीट अपने हाथ की ही पसंद है जैसे कि आप देख रहे हैं। मुझे एक भी लाइन पसंद नहीं है इस पे बेडशीट के ऊपर। तो गाइस घर की सफाई हो गई है और कपड़े धुल रहे हैं। आ गई हूँ हमेशा की तरह किचन में कुकिंग करने के लिए, क्योंकि फ्रिज में थोड़ी सी नहारी रखी हुई थी, तो वो नहारी रोटी से खाने के लिए कोई भी राज़ी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको चावलों में डाल देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रही हमारी नहारी और ये रहे हमारे चावल। तो मैं बना रही हूँ तहारी नहारी वाली। ये कुछ स्पेशल डिश रहेगी, हमेशा से मैं कुछ कोरमा वगैरह होता है ना, तो मैं वो मिक्स कर देती हूँ जब तहारी बनाती हूँ। जैसे कि हम कीमे वाली नहारी बनाते हैं ना, तो ये इसी तरीके की बनेगी, ये भी सेम प्रोसेस वही है, लेकिन बस मैं इसके अंदर पका हुआ सालन डाल देती हूँ, तो ये अच्छा है। तो बाकी का मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मैं मसाला भून रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसमें खुशबू बिल्कुल नहारी की आ रही है। लेकिन ये सारी नहारी नहीं है, मैंने इसमें मसाला भी ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी है इसमें, और हमारे महंगे से जो टमाटर हो रहे हैं इस टाइम पे, तो मैंने इसमें चार पांच टमाटर, छोटे छोटे से टमाटर्स की भी कटिंग करके डाली है जैसे कि आप देख रहे हैं। और मेरा हाथ कितना प्यारा लग रहा है कुकिंग करते में। और अब मैं जल्दी से, मैंने चावल भिगो कर रखवा दिए थे, तो अब इनको काफ़ी टाइम हो गया, 40 से 50 मिनट भी होने होते हैं चावल, तो अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ जल्दी से। तो गाइस मैंने मसाले में चावल डाल दिए हैं और ये बड़े ही टेस्टी हो रहे हैं। इस पर तरी इतनी ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि नहारी पहले से ही, नहारी में बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा था और मैंने इसका भी नमक चखाया ना, ये बड़ी ही टेस्टी लग रही है। कुकर खोला है और ये बड़े ही जूसी चावल हो रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैं जल्दी से निकाल देती हूँ और सब खा लेते हैं खाना फिर।
थैंक यू मम्मा। क्या कर रहे हो? खाना खाओ। वही क्या कर रहे हो? तो गाइस रूम में बहुत ही शांति का माहौल हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैन सो रहे हैं और दावर भी सो रहे हैं और जैद की शक्ल देखो कैसी हो रही है, जरा जैद को नींद आ रही है ना, तो जैद को भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन जैद सोना नहीं है, है ना, क्योंकि अभी इनकी टीचर आ जाएंगी तो फिर नींद ख़राब होगी। दावर तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद करने लगे थे, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए सो जाओ, तो मैं अभी दावर को भी उठा दूँगी। और मैं जब से उठी हूँ मतलब मुँह धोया है मैंने अभी, और क्योंकि तबीयत सही नहीं है ना, इतनी शक्ल मेरी बड़ी अजीब सी हो रही है, और अभी हमारे कपड़े फिनिश नहीं हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी बेड शीट्स वगैरह पड़ी हुई है, तो अभी कुछ कपड़े बचे हैं तो जल्दी से ये कपड़े भी फिनिश हो जाए। तो गाइस क्योंकि खाना बना लिया खा लिया और बच्चों को भी सुला दिया, तो अभी टीचर के आने में थोड़ा सा टाइम है अभी टीचर के आने में, तो टीचर के आने से पहले अब जल्दी से थोड़ा सा मैं कुछ काम कर लेती हूँ अपना, मतलब व्लॉग एडिट कर लेती हूँ जितना हो जाता है थोड़ा सा, और ये है मेरा व्लॉग एडिट करने का सामान। तो मैं जा रही हूँ अब बेड पर यहाँ, और मैं जल्दी से लेट के अब थोड़ा सा अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, मिलते हैं शाम को। तो गाइस शाम हो गई है और शाम की चाय का भी टाइम हो गया है, तो मैं आंटी के लिए भी चाय दे देती हूँ, और ये दो कप अलग से इसलिए हैं क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर, टीचर आई हुई है, तो मैं जल्दी से इन लोगों को चाय बना कर दे देती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी कपड़े पूरी तरीके से धुले नहीं हैं और थोड़े से बच्चों की पैंटें वगैरह बची हैं, तो अभी ये भी धुलनी बाकी हैं, और जैन सोकर उठ गए हैं। जैन क्या कर रहे हो? शोना क्या कर रहे हो? उठो, उठ जाओ, चलो अंदर जाओ आप भी। तो गाइस हमारी चाय में बस उबाल आ ही गया है और एक कप और बढ़ गया, क्योंकि मैं भूल गई थी कि आज नीचे भी कपड़े धुल रहे हैं, तो नीचे वाली भी जो आती हैं कपड़े धोने के लिए आज वो भी आई हुई हैं, और मेरे यहाँ पे भी कपड़े धुल रहे हैं, तो ये दो उन्हीं के लिए हैं और ये टीचर और मेरे लिए। तो मैं जल्दी से सबको चाय दे देती हूँ। जैन सुनो, कितनी चीनी खाओगे? अभी दो बार चीनी खिला दी ना मैंने। चलो मैं बिस्किट देती हूँ आपको, बिस्किट खाओगे? बिस्किट खा लो, चलो चलो अंदर चलो। तो गाइस एक मसला हो गया है, टीचर ने चाय पीने के लिए मना कर दिया है, तो ये दोनों चाय अब मैं ही पीऊँगी, और मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो मैं केक रस के साथ नाश्ता करूँगी। एक तो ये इतने सीखे हुए केक रस दे दिए इस बार इन लोगों ने, और जैन अपनी इंजॉय कर रहे हैं रुपीज। जैन लो, तो गाइस मैं अपनी जल्दी से नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ। तो गाइस शाम हो गई है और दानी भी आ गए घर पे, तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे डाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं डॉक्टर के जा रही हूँ, बताऊँगी उनको, दिखाऊँगी कि दवाई से ही ठीक हो जाएगा या फिर अभी एक दो दिन में मुझे इसको निकलवाना पड़ सकता है शायद, तो देखते हैं। आओ जैन,
दे दूंगी। बाय बाय। घर पे नहीं रुक सकते थे तुम? नहीं रुक सकते थे? बाय कर दो। बाय टाटा। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर के यहाँ से हम लोग आ गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिर जल्दी से मैंने कॉफ़ी बनाई और अपने लिए बहुत ही स्पाइसी से नूडल बनाए स्वीट कॉर्न्स डालकर, और कॉफ़ी के साथ में मैंने बनाए थे पटेटो बाइट्स जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है टमाटो केचप के साथ में। गाइस मैं डॉक्टर के यहाँ से आ गई हूँ और मैंने अपनी दवाई ले ली है और मैंने अपनी डार दिखाई डॉक्टर को तो उन्होंने बताया कि बहुत बुरा हाल है इसका और इसको निकालनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन वहाँ मैं कहीं और गई थी, इस बार अंकल है पापा के दोस्त तो मैं उन्हीं की शॉप पर गई थी तो उन्होंने इसको निकालने के लिए ही बोला है। और इस टाइम इसमें दर्द है तो ये अभी निकाल नहीं सकते और फिर अभी एक दो दिन मुझे कुछ काम भी है तो इसलिए मैं अभी नहीं निकलवाऊंगी। मैंने मंडे का टाइम लिया, मंडे शाम का, तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर क्या होता है। और अब जल्दी से, जैसे कि आप देख रहे हैं दस्तरखान बिछा हुआ है, मैं जल्दी से खाना गर्म कर लेती हूँ, बच्चों को खाना खिला देती हूँ, सुबह स्कूल भी जाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत ज़्यादा बिजी दिन था आज, कपड़े भी धुल रहे थे तो बिल्कुल अभी, मतलब मैं डॉक्टर के जब गई हूँ मैं बिल्कुल जब ही फ्री हुई थी और अभी बेडशीट वगैरह सुखाना बाकी है क्योंकि वो रह गई थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो गाइज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए और सब बोलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दानिश बोलो अल्लाह हाफिज। तो गाइज अल्लाह हाफिज। ऐ शोना बोलो टाटा। टाटा। जैन ने आखिर बोल दिया आप सबको टाटा, एक बार और बोल दो शोना। टाटा। अली बोल दो टाटा। बोलो डांस आ रहा है। बाय कर दो। बाय बाय। तो गाइज अल्लाह हाफिज।